13 सितंबर को ऐसा क्या हुआ जिसे देख इसरो के वैज्ञानिक भी डर गए। 13 सितंबर की रात पृथ्वी के लिए बेहद भयावह थी। हर पल खतरा उसकी ओर बढ़ रहा था। जब दुनिया भर के आम इंसान अपने घरों में सो रहे थे, तब इसरो और नासा समेत पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां अपनी नजर आसमान पर गड़ाई हुई थीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि आसमान से ऐसा क्या आ रहा था कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां अलर्ट पर थीं। चलिए इस आर्टिकल में आपको इसी से जुड़ी जानकारी देते हैं। इसके साथ ही बताते हैं कि कैसे पृथ्वी एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बची। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता ही होगा इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं है, इसके साथ साथ कई ग्रह, गैलेक्सी और तारे हैं। वहीं भारी मात्रा में उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड भी स्पेस में ऐसे ही तैर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 13 सितंबर को पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरा। वैज्ञानिकों को इसका पता पहले लग गया था, लेकिन वो इसे रोक नहीं सकते थे। ये इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि अगर पृथ्वी से टकराता तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होती। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ये एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसका आकार करीब 180 फीट ही था, लेकिन इसकी स्पीड इतनी थी कि ये किसी रॉकेट की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इस एस्टेरॉयड को 2012 RH2 नाम दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 7303 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। जब ये पृथ्वी के पास से निकला तो इसकी दूरी लगभग 4.2 मिलियन किलोमीटर थी। हालांकि इसके बावजूद भी स्पेस साइंटिस्ट चिंता में थे। दरअसल दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के पास बड़े बड़े और अत्याधुनिक टेलीस्कोप हैं। इन्हीं की मदद से वैज्ञानिक पूरे आसमान पर अपनी नजर बनाए रखते हैं और नए नए तारों की खोज के साथ साथ एस्टेरॉयड पर भी नजर रखते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक आने वाला होता है, वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाता है और लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रयानी 3 पर नासा ने क्या कहा। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी अंधेरे में है। चांद पर लैंडर जिस हिस्से में है, दरअसल वहां अभी रात है। रात में विक्रम लैंडर कैसा दिखता है, इसरो ने इसका पता भी लगा लिया है। इसरो ने विक्रम लैंडर का हाल जानने के लिए ऑर्बिटर को ऊपर से गुजारा गया। ऑर्बिटर में लगे खास कैमरे ने ऑर्बिटर की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में चांद की सतह हरे, नीले और गहरे काले रंग की दिख रही है। ये तस्वीरें इसरो ने जारी की हैं। विक्रम लैंडर पीले गोले में दिख रहा है। ये तस्वीरें 6 सितंबर 2023 को ली गई थीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने घोषणा की थी कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर सुप्तावस्था स्लीप मोड में चला गया है। इससे पहले रोवर प्रज्ञान शनिवार को सुप्तावस्था या निष्क्रिय अवस्था में चला गया था। इसरो ने एक्स पर लिखा, विक्रम लैंडर सुप्तावस्था में चला गया। इससे पहले चास्ते, रंभा LP और इल्सा पेलोड द्वारा नए स्थान पर यथावत प्रयोग किया गया, जो आंकड़े संग्रहित किए गए उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया। 2 सितंबर को होगा सक्रिय। पेलोड को बंद कर दिया गया और लैंडर के रिसीवर को चालू रखा गया है। इसरो ने कहा था, सौर ऊर्जा खत्म हो जाने और बैटरी से भी ऊर्जा मिलना बंद हो जाने पर विक्रम प्रज्ञान के पास ही निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। उनके 22 सितंबर 2023 के आसपास सक्रिय होने की उम्मीद है। चांद पर 14 दिन की होती है रात। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पहले कहा था कि चंद्र मिशन के रोवर और लैंडर चंद्रमा की रात में निष्क्रिय हो जाएंगे। चंद्रमा पर अभी रात है। चंद्रमा पर रात 14 दिनों की होती है। दिन भी इतने ही समय का होता है। बता दें कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला 4th देश और इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला 1st देश बन गया है।